बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई और दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। इसके लिए मैंने ली है पालक, ये फ्रेश पालक ली है छोटे पत्ते, 3 अदद हरी मिर्च ली है, हरा धनिया लिया है, ये अदरक का पीस लिया है और 2 कलियाँ लहसुन की ली हैं। ले लिया मैंने इसमें 1 कप दूध का शामिल करते हैं। इसके अंदर धनिया को शामिल करते हैं। पालक के पत्ते शामिल किए हैं। लहसुन और अदरक मैंने बारीक कर लिया है, ये भी शामिल करते हैं। 2 अदद मैंने हरी मिर्च ली है, इसको बारीक काट लिया है, ये भी शामिल करते हैं। इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। इस बैटर के अंदर शामिल करते हैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, थोड़ा सा मुझे कम लगा है, थोड़ा सा और डाल देते हैं। थोड़ी सी हम ब्लैक पेपर, काली मिर्च शामिल करेंगे। यहाँ पर 1 अदद एग शामिल करते हैं। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने इसको। यहाँ पर हम शामिल करेंगे मैदा, 1/2 कप मैदा है। हम थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करेंगे। इसको भी साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मैदा और शामिल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पतला है। हैंड बीटर मैंने ले लिया है। तो माशाल्लाह देखें इसका बैटर कितना अच्छा तैयार हुआ है। इस तरह से आपने इसको तैयार करना है, ना ही ज़्यादा पतला हो ना ही गाढ़ा हो। पैन को मैंने कर लिया गरम। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को हम फैला लेते हैं पैन के अंदर अच्छी तरह से। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इस बैटर को शामिल करते हैं आराम के साथ। और इसको थोड़ा सा गोल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरह हिलाएंगे तो ये खुद ब खुद गोल हो जाएगा। तो माशाल्लाह इसकी बहुत ही प्यारी सी लुक आ रही है। तो इसकी साइडें मजबूत होना शुरू हो रही हैं, ये बिल्कुल भी पैन के साथ चिपका नहीं है। इसको 1.5 से 2 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह इसका कलर देखें कितना प्यारा आ रहा है। इसकी साइड चेंज कर लेते हैं आराम से। थोड़ी सी मैंने इसकी आंच तेज की है, इसकी साइडें जलना शुरू हो गई थी, लेकिन आपने बिल्कुल अपनी आंच स्लो रखनी है ताकि जले ना। दूसरी साइड मैंने चेंज कर ली है, देखें इसका कलर कितना प्यारा है। तो माशाल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। चलें आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह से हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप इसको
पालक के पराठे भी बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।